नमस्कार, स्मार्ट होम विथ हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग दाल के मंगौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये स्पेशली मकर संक्रांति में बनाए जाते हैं, पर ये खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मूंग दाल ली है। मूंग दाल को हमने ओवरनाइट सोक कर दिया था, या तो आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको सोक कर दें। और इसको अच्छे से हमने धुल लिया है। यहाँ पे हमने कटी हुई प्याज ली है, पालक कटी हुई, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक। अब हम इसको जार में ट्रांसफर कर देंगे। मूंग की दाल आसानी से पिस जाते हैं, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो 1-2 चम्मच ऐड कर दें पानी। अब हम इसमें अदरक और लहसुन भी डाल देंगे। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी मूंग दाल पिस के तैयार है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, कटी हुई पालक अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो बाद में और भी डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अब हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, चाट मसाला, गरम मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे हेल्दी वे में बना रही हूँ। मेरे बच्चे पालक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं मंगौड़ों में पालक डालती हूँ तो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। तो आप एक बार ट्राई करें, आपके भी बच्चों को पसंद आएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें बची हुई पालक भी ऐड कर दूँगी। पालक डालने से ही और भी क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए, हमारा सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। आप भी कोशिश करें सरसों का तेल ही यूज़ करें, इसमें पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। अब मैं मंगौड़ों को हाथ से डाल दूँगी। इस तरह से सभी मंगौड़े हम डाल देंगे तेल में फ्राई होने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह से सभी मंगौड़े हम डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं टच करना है। अब मंगौड़े हमारे एक साइड से फ्राई हो गए हैं, इसको हम पलट देंगे। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और पालक डालने की वजह से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए, हमारे बनके तैयार है मंगौड़े। आप भी इस तरह से बना के तैयार करें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
इसी तरह से बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।